सुंदरता माता सीता जी की वर्णन किया है। सी शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बा रूप गुण खानी। तो किसी ने कहा सीता जी क्या पार्वती जी के जैसे सुंदर हैं? पार्वती जी सबसे सुंदर हैं, क्या उनके जैसी हैं? तुलसीदास जी कहते बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या सरस्वती जी के जैसी हैं? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, सरस्वती जी के जैसी भी नहीं। बोले उनमें कौन सी कमी है? गिरा मुखर तने अर्ध भवानी। बोले सरस्वती जी बहुत ज्यादा बोलती हैं, ये उनमें दुर्गुण है। तो बोले पार्वती जी तो बहुत कम बोलती है, देखो ना कितनी विनती की, इसके बाद भी थोड़ी सी बोली। तो बोले उनके जैसी है क्या? तन अर्ध भवानी, पार्वती का आधा शरीर नर का है, आधा नारी का है। आधा शिव जी का शरीर है और आधा पार्वती का है, वो तो आधी नारी है। तो बोले सबसे सुंदर फिर कामदेव की पत्नी रति है, क्या उनके जैसी है? बोले रति अति दुखित। रति तो बहुत दुखी है, क्यों? क्योंकि उसका पति ही नहीं है, इसलिए किसी के साथ उनकी समानता बराबरी नहीं की जा सकती। तो बोले फिर लक्ष्मी जी जैसे हो सकती हैं? विश्वारिणी बंधु प्रिय जे ही कही रमा समी किमी बैदेही। लक्ष्मी जी के जैसे भी नहीं है। बोले लक्ष्मी जी विष की बहन है, समुद्र मंथन के समय विष निकला था, और लक्ष्मी जी भी सिंधु लता है, तो जहर की बहन है। हो सकता थोड़ी बहुत जहर उनमें भी हो, भाई बहन है सके, इसलिए सीता जी की गिनती उनमें नहीं हो सकती, उनसे समानता नहीं हो सकती। तो फिर बोले कैसे हो सकती है? बोले जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जब इतना प्रयास किया जाए उससे यही विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी समतोल। चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सीता जी सखियों के साथ जाती हैं। रूप का थोड़ा सा वर्णन किया है, सीता जी की उम्र भी सिर्फ 9 वर्ष की है और राम जी 18 वर्ष के हैं। 9 वर्ष का अंतर था सीता जी और राम जी की उम्र में। सोह नवल तन सुंदर सारी,